దీనికి మనం దేవుడికి సమీపించడం దృశ్యమే కాకుండా సాధకానుగ్రహాన్ని శుద్ధి శిశువంతం పొందు మాట్లాడడం క్షమించిన శోభం దురుభమైన ప్రత్యంబయంగా మధ్య సంస్థం సింహాసన సంస్థ జీవితం ధైర్యం శిలా ప్రకారం తిప్పుస్థిరాభిష్టం वैसे तो हम सभी के विग्रह हैं, हम यहाँ आए हैं तो हमारा केवल कोई तार जुड़ता है स्वामी कृष्णानंद जी के नाम से, गुरु जी के नाम से तार जुड़ता है, चाहे अजय कुमार जोशी का हो या आप बैठे हुए कोई भी, हमारी माला बनती है तो केवल उनके नाम से, उनके नाम से जुड़े हुए हैं, नहीं तो हम कहाँ रहने वाले, हम कहाँ रहते थे, हम कल के दिन अगर एक के बाल में हम एक बैठ भी जाए तो हम इस तरह नहीं जुड़े होते जिस तरह गुरु का बिना नाम लिए मिलते हैं। आज गुरु नाम की माला से पिरोए हम सभी लोग एक एक के बाद में, कहीं गुजरात से, कहीं महाराष्ट्र से, कहीं उड़ीसा से, कहीं चेन्नई से, कहीं मद्रास से, ऐसे लोग हम यहाँ पर जुड़े हुए हैं, केवल इसका संबंध पर पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी विश्वेश्वर जी है। और उस स्वामी निखिलानंद जी की शक्ति या सामर्थ्य जिसके बारे में कहना मेरे बस की तो बात नहीं, शायद कोई कह सकता है तो बात अलग है, क्योंकि उन्होंने नहीं छुआ हो के बारे में, या उनके साधनात्मक दृष्टिकोण से हो, या उनके ज्ञान की दृष्टि से हो, या उनके सिद्धियों की दृष्टि से हो, हम उन तक पहुंचने या उनको विचार करने या उनके ऊपर सोचने की शक्ति हम नहीं है, हम नहीं सोच सकते। लेकिन मैं इतना जरूर आपको कह सकता हूं, उनको जो अपने आप को उनके चरणों में जो समर्पित किया है, वो चाहे स्वर्ग हो, चाहे नरक के मद्रमराज हो या स्वर्ग के इत्र हो, उनसे झगड़ने के लिए भी कोई दिक्कत अनुभव नहीं करता, क्योंकि वो स्वामी कृष्ण का शिष्य होता है। स्वामी कृष्ण जी का नाम लिया आज हमारे साथ एक पहली यात्रा निकली, यात्रा की यात्रा भूम से, अब वो यात्राएं 6-7-8 में बदल गई और यात्राएं आ रही हैं। सभी लोग कहते हैं कि गुरु जी बहुत भूम से बारिश चल रही है, रास्ते खराब हैं, नहीं चल के आ सकते, लोग भीग जाते हैं, बुखार आता है। मैंने कहा चाहे वर्षा हो, चाहे अग्नि या ताप हो, चाहे नीचे पत्थर बरसते हो, जिनको पंच महाभूतों को जितना कष्ट देना है देने दो, वे स्वामी निखिलेश्वरानंद जी शिष्य है, उनकी चेतना के अंदर पहुंचने की जरूरत। यह यात्रा अविरल जारी रहेगी और जारी रहनी चाहिए। क्या है और कितनी दिक्कतें आई, यात्रा का अर्थ क्या होता है, यत्र देवताओं गच्छति तत्कार्यार्थम, हम उस दर्शन के लिए जहाँ देवता जाते हैं उसे यात्रा कहते हैं, जिस देवता के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं उसे यात्रा कहते हैं, और हमारे लिए देवता है स्वामी निखिलेश्वरानंद, वे जहाँ चैतन्यवान और जागरूक होकर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि वे हम उन तक पहुंचे, और उन तक पहुंचे में अगर दिक्कतें आती हैं और हमें एक एक में निर्माण करता है तो हम युद्ध के स्तर पर काम करते हैं और कहते हैं कि तुम तुम्हारी शक्ति का प्रदर्शन करो, हम हमारी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, बारिश मुसलधार हो हम चलेंगे जरूर, हम निखिल चेतना के अंदर पहुंचेंगे जरूर। और यह कार्य हमने देखा है इन 5, 10, 11, 12, 13 दिनों में हुआ, सभी लोगों का इंप्रेशन था कि मुसलधार बारिश हो रही है, गुरु वो सब लोग यात्रा से चलते निकले उनका क्या होगा। मैं बोला उनका छत्र, उनके ऊपर जो कवच है, उनके ऊपर जिसने छाता पकड़ा है वो स्वामी निखिलेश्वरानंद जी है, उनका बाल भागा भी नहीं होगा, वो जरूर पहुंचेंगे क्योंकि मैं उनके साथ बारिश में देखा हूं। हम सर्वशक्तिमान है, संपन्नमान है, हम सब
हमने कृष्णा जी को अपने आप को सौंपा है, तो ये बात याद रखो कि हम कभी डरेंगे नहीं, हम प्रयास करेंगे, हम जाएंगे तो जिस स्थान को पहुंचे उस स्थान को पहुंचेंगे जरूर। जब मैं कहता हूँ मैंने समर्पण समर्पित करते हुए समर्पण चरणों में अपने आप को समर्पित किया है, आज आपके सामने ये सब खड़ा करके आपके सामने बैठा हूँ, तो ये केवल कृष्णा जी की शक्ति है, न मेरी शक्ति है न कुछ है। किसी से डरता नहीं, अगर अपना कार्य आरंभ करता है उसे उसको पंच महाभूतों की कोई घटी या कोई बाधा उनको बाधित नहीं करती। हमने देखा है ऋषि महर्षि विश्वामित्र प्रभु वशिष्ठ और बहुत लोगों ने तपस्या की, हवाएं आई, बारिशें चली, सारे उनके शरीर को भिगा दिया, सुखा दिया, ठंडी में उनको चलने के लिए बाध्य किया, लेकिन उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी और वह अपनी सिद्धि को प्राप्त कर भगवान को प्राप्त की। आज हम उसी मार्ग पर उसी ऋषि परंपरा पर चल रहे हैं। अगर 2000 साल से 2000 में अगर निखिल चेता की स्थापना हुई है तो 12 साल के अंदर अंदर निखिल चेता केंद्र का एक एक निखिलेश्वरानंद का शिष्य आज पंच महाभूतों की लकड़ी लकड़ी की शक्ति रखते हुए आगे बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। मैं भी एक मामूली आप जैसा साधक था, लेकिन एक चीज में ये हुए थी, प्रभु आपका नाम लेकर मैं एक कंकर हो सकता हूं, मैं एक छोटा सा कंकर हूं, लेकिन यह कंकर अगर आपके चरणों में है, आपके चरणों में बैठा है, तो यह हीरा कहलाएगा, ये हीरा कहलाएगा, तो इसका मूल्य बढ़ेगा और इसका मूल्य उस दिन बताऊंगा कि कुछ नहीं था, इसको कुछ बनाया तो हम इतने काम दिए और वह कुछ बनाया। आप केवल समर्पण के समर्पण के माध्यम से आगे बढ़ो, ऐसे निखिल चेतना केंद्र में तो एक मामूली आप हजारों बनाए, आप दीपक बन गए जलेंगे और उस ज्योति को सूर्य के प्रकाश के सामने संसार को दिखाएंगे। ये मेरा छोटा प्रयत्न आपके लिए मार्गदर्शन है, मैं एक छोटा आदमी स्वामी निखिल शांत के शिष्य हूँ, एक छोटा सा कार्य समर्पण के भाव से कर रहा हूँ, मैं आपकी चेतना भरता हूँ। स्वामी निखिल शांत जी की ओर से कहता हूँ कि हम विश्व में निखिलेश्वरानंद जी के इस निखिल चेतना केंद्र की ओर से ऐसे साधनात्मक दृष्टिकोण ऐसी दशमाएं बनाएंगे कि संसार उस आनंद को देखें जिसको जिसमें स्वर्ग को भी प्राप्त नहीं होता, स्वर्ग में भी प्राप्त नहीं होता। चाहे धर्म में बैठे यमधर्मराज जी कहें कि आप निखिलेश्वरानंद जी के शिष्य हैं या निखिल चेतना केंद्र के साधक हैं, तो आपको हमारे पास एंट्री नहीं है, क्योंकि यहाँ हम धर्म में जाते हैं क्योंकि हमने निखिलेश्वरानंद जी का नाम लिया है। हम हर एक चीज से डरने की बात सुनता किसी के डरने से क्षमता नहीं रखते, नरक में पाप में हमें पाप छूता ही नहीं क्योंकि हमने निखिलेश्वरानंद जी के चरणों को छुआ है। स्वर्ग के लोग भी कहें कि वे लोग हम स्वर्ग के द्वार खुले हैं, निखिल चेतना केंद्र के लोग आ जाओ तो हम कहेंगे कि हम आपके सर से हमारा निखिल चेतना केंद्र अच्छा है, आप एक बार हमारे पास आके देखो। ऐसे आना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, हम निखिलेश्वरानंद जी का नाम होना चाहिए जैसे सिद्धाश्रम गुरु जी कहा करते थे कि सिद्धाश्रम में अप्सराएं आने के लिए लालायित होती है, इंदिरा जी लेता सिद्धाश्रम आने के लिए लालायित होते हैं, क्यों? क्योंकि वहां उनसे भी ज्यादा सुख उनसे भी ज्यादा आनंद वहां प्राप्त होता है। मैं कहता हूं जब तक अपनी तपस्या शक्ति काम नहीं करती, जब तक हम समर्थवान नहीं होते, तब तक ये कार्य नहीं हो सकता। हम उनकी शक्ति को उनकी गरिमा को उनकी श्रेष्ठता को हमने आज तक पहचाना नहीं है और यह पहचानने के लिए समर्पण जरूर है। किसी भी समुद्र के पास जाओ या कहीं जाओ उसकी गहराई कितनी है ये देखने के लिए डूबना जरूर पड़ता है, लकड़ी को तो डुबाना पड़ता है, आपको तो डूबना, आप डूबो तो पता चलता है कि कितना गहरा है। बाहर गर्मी में जाओ तो आपको पता चलता है कि कितनी गर्मी है, हम जाके उसके सहन कर सकते हैं या नहीं है, तभी छाता पकड़ते हैं या अंदर आते हैं। उसी तरह एक बार आप निखिल चेतना निखिल शक्ति के सामने अपने आप को समर्पित कर लो तो आपका पता चलेगा कि आप कितना सहन कर सकते हैं, उस गर्मी को, उस हवा को, उस वर्षा को, उस पानी को, उस आकाश को, पृथ्वी तत्व को जिसमें पंच महाभूतों की शक्ति है, एक बार आप समर्पित करके जाओ, सूर्य की शक्ति की सूर्य की गर्मी भी आप उनके सामने फीकी पड़ जाएगी, क्योंकि निखिलेश्वरानंद शक्ति ऐसी शक्ति है। आप इस शक्ति को जानो जिसमें कुछ नहीं है, ऐसा आदमी कुछ होकर बता सकता है अगर आप निखिलेश्वरानंद जी के चरणों में अपने आप को समर्पित करके। एक बार मथुरा में बैठे बलराम श्री कृष्ण को कंस बार बार अपने साथियों को
तपस्या युक्त अपने राक्षसों को भेजकर मारने की प्रक्रिया कर रहे थे। और माँ यशोदा या वसुदेव देवकी या यशोदानंद और सारे गोकुल के लोग इतने परेशान थे कि कंस बच्चों को मार रहा है, कृष्ण पर आघात हो रहा है, कुछ करें क्या करें। कृष्ण ने भूतना को मारा, दूसरे चक्रवात के उस राक्षस को मारा, कलिया मर्दन किया, ये सारी करते हैं, फिर भी गोकुल में संकट आते ही आते ही जा रहा है, क्या करना चाहिए। तो कृष्ण ने ढूंढा कि इस संकटों का कारण क्या है। इस संकटों का कारण है कंस, मामा कंस इस संकटों का कारण है। तो बलराम भैया से कहा कि भैया हम क्यों उसी कंस को अंत न कर दें जिससे हम पीड़ित हैं, हमारे गोकुल की कन्याएं वो लीला हैं, बच्चों को मारते हैं, बड़े लोगों को सताते हैं, तो हम कुछ करें। बलराम जी कहते हैं कि कन्हैया बोल क्या करना है। तो करना है कि कंस वर प्रसादित है, उसके पास जरासन उग्रसेन आदि ऐसे ऐसे योद्धा उसके पास है, चाणूर मुष्टिक आदि ऐसे ऐसे पहलवान उसके पास है, उसके पास जाना या उसके पास के बड़े बड़े हाथी घोड़े उसका राज्य है जिसको फोड़ कर तो नहीं जा सकते। भैया हम किस तरह जाएंगे, हम तो मथुरा के गोकुलवासी गाय चराने वाले, हम उसको कैसे सताएंगे, हम उसको कैसे मार सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि तुम्हें पता है मथुरा की ग्राम देवता कौन है। बलराम का मथुरा की ग्राम देवता कौन है हमें नहीं पता। कृष्ण ने कहा मथुरा की ग्राम देवता है माँ गाय, माँ गायत्री, यहाँ गाय पूजी जाती है और कंस ने गाय की पूजा छोड़ दी है और हम गाय की पूजा करें। भैया अगर हम गायों को लेकर मथुरा पहुंचते हैं तो हम कंस को जरूर मार सकेंगे। बलराम भैया ने कहा क्या कह रहे हो, हम गायों को लेकर मथुरा पहुंचेंगे कैसे, गोकुल से चलते हुए जाएंगे वो भी हाथ में बिना हथियार लिए, कृष्ण हंस राजा है महाराजा है। तो कहा कृष्ण ने कहा कि भैया एक बात कह रहा हूं, तुम मेरे साथ चलो, हम चलते हुए चले, हम चलते हुए गोकुल से मथुरा जाएंगे बिना हथियार के जाएंगे। और मैं तुम्हें कह रहा हूं कि हम ये यात्रा ये करके आए गोकुल से बलराम और श्री कृष्ण, जब उनके पास घोड़ा गाड़ी सब ऐश्वर्य था, रथ था, यशोदानंद राजा थे गोकुल के, लेकिन बलभद्र और कृष्ण दोनों चलते नहीं थे। तो तब बलराम भैया कहते हैं कि कृष्ण ये तेरी चाल समझ में नहीं, घोड़ा है अपने पास, रथ है अपने पास, सब कुछ है, हम रथ पर जा सकते हैं, तो चलने या चलने की बात क्यों कहता है। तो कृष्ण कहते हैं कि भैया अगर हम उस कुल देवता माता मथुरा के कुल देवता है उसके पास अगर हम चलते हुए जाकर प्रार्थना करते हैं तो हमारी यात्रा सिद्ध होगी, और उसके पास कभी कंस चलते नहीं गया, उसके पास गर्व हो गया है, उसका गर्व हरण मां करेंगे, हम माँ के पास चलते जाएंगे यात्रा करते जाएंगे। बलभद्र और कृष्ण चलते हुए गोकुल से मथुरा आए, केवल दोनों ही बिना हथियार, हाथ में कोई हथियार नहीं। जैसा ही मथुरा में आए उन्होंने वहां की कुल देवता की पूजा की और उसके बाद पूजा के पास से वो चंद्रनाथ जी स्वीकार किए और कहा कि हमें मामा कंस के पास जाना है। आपको बात की कहानी मालूम है, बलभद्र और कृष्ण गए चाणूर और मुष्टिक के उनको कुश्ती में उनको हराया, बाद में कंस को उसके सिंहासन से खींच कर मारा और जीत कर बताए कि मथुरा हमारी है। यात्रा का केवल ये बात होता है आप चलते हुए तपस्या के साथ जहां आते हैं आप सिद्धि प्राप्त करके ही जाएंगे, यात्रा का ये होता है हम देवता के पास चलते हुए जाएंगे। आज शकरपुर के विश्वेश्वर हो क्यों यात्रा करते हैं, वारी क्यों करते हैं, वारी किसे कहा गया है, वारी का अर्थ होता है वर देने के लिए जो चलने की यात्रा को वारी कहते हैं, वर प्राप्त करने के लिए चलते हुए जाने के लिए वारी कहते हैं। और उस वारी को आज महाराष्ट्र में बहुत जगह है, चाहे वो वैष्णो देवी की यात्रा हो, चाहे वो विठलेश्वर की यात्रा हो, चाहे तिरुपति की यात्रा हो, चलते जाने का अर्थ होता है यत्र देवता, हम तुम्हारे लिए चलते हुए आ रहे हैं, हम कोई साधन नहीं लेके, हमने हमारा सर्व गर्व छोड़ दिया है, हम आपके चरणों में आ रहे हैं, ये कहते हुए हम निकलते हैं तो हमारे पास सिद्धि प्राप्त होगी। और मैं आप जिन्होंने भी यात्रा की है, मैं परम पूज्य सद्गुरुदेव से कल तक
कंटेम्पररी स्वामी श्रीस्थान जी का जप करता हुआ इसी बारिश में वहीं बैठा रहा है, जितने जैसे प्रकार आप भी अगर भीगे हैं तो मैं भी भीगा हूं, आपका खाना आपका सोना हुआ तब मैं सोया हूं, मैं इसलिए श्री प्रार्थना की कि मेरे यात्रा करने वाले आप तक पहुंच जाए तो किसी तरह का छोड़ना नहीं पहुंचना चाहिए और उनको वो स्थिति प्रदान ही करो जो भगवान श्री कृष्ण को आपकी यात्रा के अंदर हो रही थी। अगर मैं अतिशयोक्ति ना बोलूं, बाकी का काम श्रीस्थान जी देखेंगे, कष्ट किसी को नहीं है ऐसा नहीं हो सकता, कष्ट है। मुझे पहली बार आनंद हुआ कि मैं उनकी यात्रा को सफलता से देख रहा हूं, स्वामी श्रीस्थान जी उनके पीछे काम कर रहे हैं और यही समर्पण उनका रहा तो आगे का जीवन भी उनके प्रति उनके प्रति उतना ही समर्पित होकर आगे चलते हुए आगे उस खुशी को उस संतोष को लेकर आगे चलेंगे, चलना ही चाहिए, फिर विजयी होनी चाहिए, फिर सिद्ध सिद्धि प्रद होनी चाहिए। जो भी आज यात्रा करते हुए स्वामी श्रीस्थान के चेतना केंद्र को पहुंचे हैं उन सभी को आशीर्वाद देता हूं, प्रार्थना करता हूं सदगुरु देव से कि आने वाला कल उनका वो जिस तरह आए हैं और घोड़े गाड़ी में और भी कार में आए, स्कूटर में आए और आगे बढ़ते उनके महल हो और उन सारी समर्थों करते हुए स्वामी श्रीस्थान जी के प्रति समर्पित होकर साधक बन के दिखाए और स्वामी श्रीस्थान जी का नाम सारे संसार में फैलाए। आज एक यात्रा से आठ यात्राएं हैं, मेरा ये उदाहरण से किसी को नीचा गिराना किसी को ऊपर उठाना नहीं था, लेकिन समर्पण की भाव कह रहा हूं, समर्पण का भाव कह रहा हूं। जब आप समर्पित होकर काम करते हैं तो स्वामी विश्वेश्वर जी आपके पीछे खड़े होकर काम करते हैं। आप आज मैं भी आपके सामने बैठा हूं, हर समय हर क्षण मुझे भी लगता है कि ये कैसा होगा, शिष्य आएंगे कीचड़ होगा, कीचड़ में काम बैठेंगे, उनके लिए स्नान की ये सुविधा क्या करनी चाहिए, उनको खाने की सुविधा किसी करनी चाहिए, ये आप निकलने से पहले मुझे भी किसी प्रकार का टेंशन होता है क्योंकि आप किसी प्रकार की असुविधा ना हो असुविधा ना हो और मैं आप हर एक में स्वामी विश्वेश्वर जी को देखता हूँ, आप किसी को भी कष्ट हुआ तो स्वामी विश्वेश्वर जी को कष्ट हुआ ये मेरी धारणा है। लोग और यहाँ मैंने जिनको भी यहाँ पुकारा मेरी पुकार को सुनकर जो भी आए तो मैं किस तरह नचाता हूँ या किस तरह काम करवाता हूँ या किस तरह काम करता हूँ, एक साल का कसर 5 मिनट में निकाल लेता हूँ यहाँ के सारे तरफ, एक साल तक खिलाने देता हूँ, एक साल तक सो जाओ बोलता हूँ तुम्हारे पास तुम भी नहीं तुम्हारा क्या कर रहे हो भी नहीं पूछूंगा, लेकिन गुरु जन्मदिन के 5 दिन और गुरु पूर्णिमा के 5 दिन उनको पता नहीं चलता कि वो कहाँ, केवल देखते हैं कि गुरु जी की दृष्टि हमारे पर है, हमें सोने नहीं देंगे हमें खाने नहीं देंगे, 5 दिन में क्या कर लेंगे कायाकल्प हो जाएगा, साल भर में जो नहीं हुआ 5 दिन में काम खत्म। तो उनको लगता है कि ये 5 दिन हमारे लिए इतनी जितने हैं उसके लिए साल भर की तैयारी करनी पड़ती है, साल भर सो जाना पड़ता है 5 दिन नहीं सोना पड़ता है और ये कार्य आज नहीं 12 साल से हो रहा है। और आप हर गुरु पूर्णिमा को अगर आप यहाँ कोई आए हुए हैं तो 10 दिन के पहले देखेंगे खाली खाली खंभे खड़े हुए थे यहाँ, और आज 5वें दिन आ रहे हैं तो पूरे आप अच्छी तरह बैठ के सो जा सकते हैं, वो कार्य हुआ 5 दिन में ऐसा कार्य होना कायाकल्प है। हम मथुरा से कृष्ण भगवान ने द्वारका को मथुरा शिफ्ट कर दी थी, हमने बेटी को शिफ्ट कर दिया 1 मिनट में, कृष्ण भगवान से हमारे पास भी थी स्वामी कृष्ण जी की कृपा हम पर भी है कि हमने कायाकल्प किया है, हमने इस बिल्डिंग को 5 दिन में खड़ा कर दिया। खड़ा करने का मतलब ये होता है कि हमने भी बिल्डिंग उठाकर यहाँ बिठा दी आपको रहने के लिए, तो स्वामी कृष्ण जी की कृपा और शक्ति इतनी बनी हुई है कि हम ये कार्य कर सकते हैं। सभी लोग कह रहे थे गुरु जी बारिश है, गुरु जी कीचड़ है, ईट फूट जाती है, ईट नहीं बन गई, सीमेंट लगाते लगाते दीवार गिर जाती है, हमारे विनता जारी है, गुरु जी बारिश हो रही है दीवार गिर जाती है, अब तब में बारिश बहुत जोरों की है, बोला बारिश दीवार नहीं गिरती बारिश नहीं फूटती, बारिश को बारिश का काम करने दे अपना काम हो गया तुम चलो काम करो, और ना दीवार गिरी काम हुआ बिल्डिंग बिल्डिंग सब लोग खड़े हुए अंदर रहे, तो कोई हमारा पंच महाभूत हमारा बाल बांध आगे नहीं कर सकते क्योंकि हम श्री अरविंद के साथ रहने के लिए तैयार है क्योंकि हम स्वामी विश्वेश्वरानंद जी के शिष्य हैं। मैं आपसे गुरु पूर्णिमा की आरंभ के दिन पहले उन यात्रियों जिन्होंने यात्रा स्वामी विश्वेश्वरानंद केंद्र को आने की यात्रा अपने धैर्य और साहस के साथ की उन सभी को
परम पूज्य सद्गुरुदेव स्वामी कृष्णानंद जी की ओर से आशीर्वाद प्रदान करता हुआ उन सभी को ऐसी ही शक्ति प्रदान करते हुए आगे यात्री बनकर आए और यहाँ से प्रार्थी बनकर चले और सिद्ध बनकर चले, यही आशीर्वाद देता हूँ कि वे आगे चलकर इसी तरह यात्रा करते हुए स्वामी कृष्ण जी ताकि वह पहुंचे। उनका हर एक काम, उनका हर एक कदम, उनका हर एक चलने का तरीका, उनका हर एक रथ, उनके रथ पर दृष्टि पड़ने वाली हर दृष्टि स्वामी कृष्णानंद को जीतना जागरूक करने वाला पहला प्रचार है। हम टीवी पे नहीं काम करते, हम कोई रेडियो पे काम नहीं करते, हम कोई माइक नहीं लगाते, हम केवल चलते हैं। और यह चलना उस सूर्य का चलना है जो प्रकाश देता है, जो इस संसार को धीमे धीमे प्रकाश देते हुए बताता है कि हम सच्चे प्रकाश देने वाले हैं, हम कोई भागने वाले नहीं है। हम हर साल आते हैं और आपको चेतना देते हैं कि स्वामी कृष्णानंद जी है और आपको ऋषि परंपरा और उस गुरुकुल परंपरा को लेकर चलते हैं। उन यात्रियों को आशीर्वाद देता हूँ, उन जिन्होंने भी यात्रा की है उन सभी को आनंदित और स्वामी कृष्णानंद जी कृपा के संदर्भ में एक मिनट तक सभी लोग कल्याण जाएंगे उनकी आनंद के लिए, उनकी हैप्पीनेस के लिए। आज गुरु पूर्णिमा का प्रथम दिन और प्रथम दिन वो होता है कि हमें अगले दो दिनों में जो भी कार्य करना है उसके लिए शक्ति हो, आलस्य ना हो, क्योंकि ये तीन दिन मैंने जैसा कहा हमारे से निखिल चेतना केंद्र के साधकों के लिए पांच दिन कितने चेतनावान हैं, आपको एक साल की शक्ति देने के लिए गुरु पूर्णिमा भी उतनी चेतनावान। कहीं आप आए और ये तीन दिन में सो गए तो कोई मतलब ही नहीं रहा, घर में भी सो गए, यहाँ के सो गए तो क्या फायदा। तो उस चेतना को, उस शक्ति को जागृत रखने के लिए मुझे भी कुछ करना पड़ता है, क्योंकि गुरु बहुत चलते हुए दर्द बहुत पाँव का है, अभी थोड़ी देर सो जाते, थोड़ी देर का सुधार सो जाना साधना नहीं करते, केवल गुरु जी के ऊपर उपकार किए हैं कि हम वहां से चलते हैं। मैं उसको नहीं मानता, मैं तुम्हें सोने नहीं देता, मेरे पास जो बात नहीं, हाँ मेरे से हटकर जाते अपने पति के पास जाओ, अपने माता के पास जाओ, अपने घर को जाओ, सो जाओ, मेरे को कुछ करना नहीं। मेरे पास आएंगे तो चेतनावान ही रहना है, आपको कब उठाऊंगा सोने ही नहीं दूंगा, क्योंकि यहाँ अगर साधना चुकी तो आप हारे का साधना चुके। आज तक ये बात करते करते थक गया हूँ, साधना लेते रहा, पैकेट लेते रहे, घर पर डाल करे, अब सोते रहे, एक भी साधना संपन्न नहीं है। जहाँ के जहाँ पैकेट पड़े हर घर में अगर पूछो सभी साधकों के पास तो हमारे हर एक के पास कम से कम 20 पैकेट तो है, अगर 10 साल से हुए तो 20 पैकेट बिना साधना के पड़े हुए। एक निखिल स्थान जगह जब हुआ तो महान हुआ, या एक गुरु कार्य हुआ तो महान हुआ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि शिविर में ही साधना संपन्न हो। आप घर को जाकर कहने का मुझे वादा झूठा मत करो, और मैं तुम इस वादे से तंग आ गया, वो वादा मैं भी नहीं चाहता कि आप घर जाकर कुछ करें, मेरे सामने साधना करें, मेरे सामने ही फल लें और यहाँ से घूमने तो सत्यवान मेरे पास आए, यही इच्छा रखते हुए मैं आज एक साल से जहां भी शिविर में जाता हूँ तो साधना शिविर में ही संपन्न करवा देता हूँ। क्या क्या घर को ले जाकर उस माता पच्ची को मैं पूछना क्या हुआ साधना हुई, फिर आप वही रोने वही मुंह लटकाए हुए आए, पूरी काम नहीं हुआ, मेरी बेटी की शादी नहीं हुई, मुझे पैसा नहीं मिला, अरे क्या हुआ साधना करे, कहाँ साधना करे, गुरु जी घर को जाते फिर पूरी टेंशन शुरू। कर्ण पिशाच की विद्या है, कर्ण पिशाच की रोज सताती है, कर्ण पिशाच की विद्या कहाँ है, आजकल के मोबाइल फोन को कर्ण पिशाच कहते हैं, कर्ण के बाद पिशाच का काम, पिशाच का काम करती है, अपने को काम करने नहीं देती, इससे बड़ा पिशाच संसार में है। हम ये सारी चीजें प्राप्त करें जिसे हमें सामर्थ्यवान करकर आगे गुरी बढ़ाए। ऐसा क्या सामर्थ्य हो सकता है कि हम आगे चलकर हमें कुछ इस संसार में पा सके, हमारे में असमर्थता ना हो, हम साधनाओं में तत्पर रहें, हम कभी अपने आप को बूढ़े या अज्ञानी बालक ना समझे, हम सामर्थ्यवान हैं ज्ञान से, शक्ति से, विद्या से और गुरु शक्ति से, हम सामर्थ्यवान हैं ये संसार को बताएं। इसके लिए हमें क्या करना है, क्योंकि आने वाले तो दिन तपस्या युक्त हो, अगर मैं कहूँ कि आप 12 घंटे साधना के लिए बैठो तो क्या बात करें गुरु जी, 12 घंटे, 1 घंटा सीधा नहीं बैठ सकता, पूरे घुटने दर्द हो गए, क्यों घुटने दर्द हो गए, अरे घुटने के लिए कट जाएंगे ना गुरु जी के सामने, छोड़ दो गुरु जी के बारे में, तेरे घुटने को क्या हुआ, नींद आ रही है ना, एक बार उसमें थोड़ा सा मिक्सी ले डाल दे आँख में, साधना कर, मैं बाद में बताता हूँ धीरे साधना का फल क्या होता है। तो अपने आप को तेरी मजबूरियां मुझे मत बता, गुरु जी अभी फोन आया, बीवी जरा बीमार है, हॉस्पिटल को जा रही है, तेरे को क्या करना है, कोई हॉस्पिटल जाकर इंजेक्शन देने वाला है, देने वाले वहाँ बैठे हुए हैं उसके ऊपर, अरे मैंने ऐसा ही किया, मैं आपको यही बातें नहीं समझाता, मैं यहाँ काम में फुल रूप से दिल्ली हूँ, आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ, आपके सामने उदाहरण देते हुए बताता हूँ,
यहाँ फुल रूप से पी हूँ, काम जोरों पे चल रहा है, बारिश हो रही है, मैं सुबह से खाना नहीं खाया और शाम में खाना खाने यहाँ आने के बाद खाना खा रहा हूँ, काम के लिए जा रहा हूँ। जैसा ही यहाँ से गुजरा हमारे श्रेष्ठ साधक दो ही, हमारे निजी चेतना केंद्र के दो श्रेष्ठ साधक मनोज और प्रेम दोनों गए और रस्ते में ही था, इतने दूर से फोन आया, गुरु जी क्या गुरु जी गया, प्रेम गया। मनोज बोला क्या हुआ, एक्सीडेंट हो गया गुरु जी, पूरा सर फट गया, वो बात नहीं कर रहा है, उसको धड़क गया है। अब मैं बोलो सुबह से खाना नहीं खाया, काम यहाँ जोरों पर चल रहा है और ये अपना एक आश्रम का साधक गिर गया, तो मेरी हालत क्या होनी चाहिए, मैं तो बाप हूँ उनका, माता पिता सर्वस्व हूँ उनका, उनके माँ बाप को भी चिंता होगी या ना होगी नहीं, लेकिन मुझे चिंता है। वो बोलता गुरु जी मेरा हाथ धड़क रहा है, शायद फ्रैक्चर हुआ। अरे तुम कहाँ है गुरु जी, फलाना तो वरदान प्राप्त है। बलराम कहते हैं कि कृष्ण तू ही जानता है, तू जो बोल रहे हो भाई, तो युद्ध में उन सभी को मार सकता हूँ, उन सभी को मारने की क्षमता रखता हूँ, मैं जाता हूँ। बल भैया आप उन्हें मार जाएंगे, आप अकेले कितने लोगों से लड़ेंगे, वो तो सैन्यों के साथ आए, मथुरा को घेर के रखे हैं, सारे लोगों को मार देंगे, दूसरे अनाथ अकारण लोग मरेंगे, मैं इसलिए डर रहा हूँ, हम दोनों तो सभी को मार सकते हैं, लेकिन अगर वो अंदर घुस जाए तो अकारण गाय अपनी भाषा की भी है, गायन की हत्या होगी, लोगों की हत्या होगी, इसके लिए क्या करना है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा मेरे गुरु सदाशिव कैलाशनाथ भगवान शिव है, मैं उनको उनकी प्रार्थना करता हूँ। तो कृष्ण के हाथ में, कृष्ण के गले में कौस्तुभ मणि की माला थी, कौस्तुभ मणि की माला माता विंध्यवासिनी ने उनके प्रदान की, और कौस्तुभ मणि की माला यहाँ वहां नहीं मिलती, उस कौस्तुभ मणि की माला को सर्प के वीर्य से बनाया जाता है, सर्प का वीर्य जहाँ गिरा वो मिट्टी पे किस पत्थर पे गिरा वो उससे कौस्तुभ मणि बनती है, और वैसा मणि मिलना बहुत मुश्किल है जो कृष्ण धारण करते हैं, इसलिए कृष्ण को कोई मार सकने की शक्ति नहीं रखते, इसलिए कृष्ण माला पहने देते थे। तो उन्होंने मारा पहनी उनकी तो रक्षा होगी, तब उन्होंने अपने गुरु शिव से पूछा कि भगवान शिव मेरे मथुरा के लोग दुखी ना हो, मेरी गायें दुखी ना हो, उनके ऊपर कोई संकट आए तो सारा टल जाए, कोई ऐसा मार्ग बताएं। तो वे शिव जी से प्रार्थना करने लगे, बलराम बाजू में खड़े थे, उन्होंने क्या तय कर रहे हैं, बोले मेरे गुरु की प्रार्थना कर रहा हूँ। कृष्ण भगवान ने कहा मेरे गुरु की प्रार्थना कर रहा हूँ। तो बलभद्र भैया ने कहा कि क्या प्रार्थना, प्रार्थना क्या कि मेरे पास कौस्तुभ मणि है तो ऐसी मणि इन सभी को भी दे दें ताकि इनकी भी रक्षा हो, दीवाना हो गया है तो कौस्तुभ मणि के सभी को मिलती है देते हैं। अरे गुरु से प्रार्थना करने में क्या क्या बात हो गई। और बल्ल भैया को बोले अरे मुझे साधना करने दे यार, तू मुझे साधना करने से रोक मत। बलराम भैया कहते वो लोग युद्ध के लिए बाहर आगे खड़े हैं, यहाँ साधना करने बैठेगा तो आगे ऊपर मार देंगे, कुछ देख कुछ कर। कुछ नहीं काम में मेरे गुरु जी, मैं गुरु की आराधना कर रहा हूँ। माता यशोदा नंदा देवकी वसुदेव आए, कृष्ण क्या कर रहा है, सारी मथुरा घेरे गई है, जरासंधारी सब लोग शिशुपाला सब लोग मथुरा को घेरे बैठे हैं, द्वार बंद हुआ है और तो आंखें मूंद के साधना कर रहा है, गुरु को प्रार्थना कर रहा है, क्या बात है क्या कर रहा है। कृष्ण का माँ एक मिनट के लिए मेरे गुरु को प्रार्थना करने दो, मेरे गुरु को गुरु के प्रति देखने दो। तो वो लोग सब खड़े खड़े चिंतित थे कि क्या करना चाहिए। जब जरासंधा जी ने युद्ध की भूंगी बजा दी जोर से और कृष्ण की पुकार शिव जी ने सुनी, तो कृष्ण भगवान शिव ने जोर के साथ अपना पैर पृथ्वी पर मारा, पृथ्वी पर मारते ही उन्होंने फट का शब्द किया, फट का शब्द करते ही उनके शरीर से जो स्वेद निकला, जो पसीना निकला वो नीचे गिरा और वे पसीने थे, कृष्ण भगवान भी पसीने से तर। जैसा ही वो पसीना उनके शरीर से गिरा तो माता पार्वती ने देखा कि शिवजी पसीने पसीने हो गए, इसका मतलब क्या क्या हुआ। माता पार्वती अगर पसीना पोसने लगी, एक तरफ गणेश जी आए, एक तरफ नंदीश्वर आए, एक तरफ सुनिधि आए, भिंदी आए, स्कंद आए, सभी लोगों ने शिवजी का पसीना पोसने लगे और पसीना पोस के दूसरे उन्होंने सब नीचे डाल दिया। वो पसीने का स्थल जब स्थल पर गिरने लगा तो फट के प्रभावित वो पृथ्वी इतनी चमकदार हो गई कि देखने के लिए सभी को आश्चर्य लगा कि क्या चमक रहा है, क्या चमक रहा है कि इस तो वज्र से भी ज्यादा चमक रहा है, क्या चीज है ये।